इंडिया में परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत है, तो अगर लाइव अच्छी परफॉर्मेंस हो जिसमें सिंगिंग भी हो और जोश भी हो तो डेफिनेटली मजा आएगा। हाँ, लेकिन सिंगिंग भी होनी चाहिए सर, और चाहे जब तक हम मुकाबला करें, जो सुर के हिसाब से म्यूजिक तो म्यूजिक के हिसाब से शारिब को कम वोट्स मिलने चाहिए थे, सुर के हिसाब से कम थे, लेकिन आपने जोश में दिया या उसको सुर में दिया मुझे समझ नहीं आया किस में दिया आपने उसको। आप कह रहे दोषी के सारे सुर सही लगे थे, सारे नहीं लगे शुरू में लगे थे, शुरू में तो आप भी गलत गा सकते हो, कोई माइकल लाल कह नहीं सकता कि मैं सुर में गाऊंगा, दिस नो वन, ये लाइव शो है, हमें अपना काम करना चाहिए, ये लाइव शो है और सुर किसी के बाप का नहीं होता, सुर अपने तो आप ये का होता जो पॉइंट्स है रिलेटिव ही होते हैं, डेफिनेटली आप पॉइंट्स दीजिए, ये नहीं कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स देंगे, वरना जज मैं भी बैठूंगा अगली बार, तो मैं भी ऐसे करूंगा फिर, ऑल द बेस्ट। आप यहाँ आके बैठ जाइए मीका जी, मैं वहां बैठ जाता हूँ फिर। शान भाई, अभी ये जो परफॉर्मेंस का मिला या सुर का मिला, ये जो एनकरेजमेंट का था, सुर काफी कमजोर थे, परसों आवाज बहुत खूबसूरत है, चलो ठीक, ओके नो प्रॉब्लम, ओके तेजी आशीर्वाद लो, थैंक्स टू शान भैया, जोरदार तालियां, थैंक यू सर, थैंक यू जजेस। तो मीका ब्लास्टर्स की तरफ से, एक मिनट, मीका भाई आप क्या करना, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आपका नहीं समझ आ रहा, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं, हम यहां जब जज बने हैं तो हम यहां जजमेंट करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, जो हमें सुनाई देगा उसी का, तो ईमानदारी कीजिए ना, ईमानदारी ही कर रहे हैं आप, क्या धमकियां दे रहे हैं तब से कि जब आप जज बनेंगे आप ये करेंगे आप वो करेंगे, नो इफ जब no आप यहां जज बनेंगे तब आप यहां जज बनकर सही सुर और सही परफॉर्मेंस पर आप मार्क दीजिएगा, जैसा हम यहां कर रहे हैं। देखो मैं बहस में नहीं पड़ना, कोई पर्सनल इशू मत ले आइए यहां सामने, बताइए कौन सा सुर गए इसके, मुझे बताइए आप खुद सुन लीजिए, अगर आपके कान है तो सुना है, आपने ही कहा था ना मुझे, बिल्कुल पॉइंट दीजिएगा सुर और ताल को समझकर, पिछली बार यही ताना आपने मारा, चलो था मैं आपके साथ सहमत, तो बस मुझे जो आता है मैं नेक्स्ट देखता हूँ, तो वो आप मत कहिए कि मैं नेक्स्ट देखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, आपको कुछ मुझ पे कोई शक है, आपको लगता है कि मेरे सुर ताल नहीं लगते ठीक से, शायद मुझे थोड़ा सा शक है, सिर्फ आप ही के कान ठीक है, मैंने तो कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे हिसाब से आपको अच्छे पॉइंट देने चाहिए थे, लेकिन आपने उसको 6-7 दिया तो इतना भी उसने गया गुजरा नहीं गया, बहुत अच्छा गया मेरे हिसाब से। तू झूम ऐसे अंदाज से के दुनिया के तू होश उड़ा, मेरे डैडी का सपना है कि वो बॉम्बे जाएं और मिथुन दादा से मिलें, और मैं उनका ये सपना पूरा करना चाहता हूँ, तकदीर की टोपी पहनूं।